Hello everyone. Elevation in boiling point and depression in freezing point आज का हम लोग का टॉपिक होगा. इस दोनों टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट तरीके से और फिर इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आएगा उसको डिराइव भी करेंगे. हमारे पास जो दो टर्म दिख रहा है, एक है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. सबसे पहले हम लोग इस दोनों टॉपिक को इस फेज डायग्राम के हेल्प से समझने का कोशिश करेंगे और फिर थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पर भी इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझने का कोशिश करेंगे. हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सेकेंड और थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, जबकि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं. अगर बात किया जाए बॉइलिंग पॉइंट क्या है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो ये दोनों टॉपिक रिलेटेड है वेपर प्रेशर से, और वेपर प्रेशर से रिलेटेड वीडियो लेक्चर भी हम लोग देख चुके हैं. वेपर प्रेशर उस प्रेशर को बोलते हैं जब वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है और वेपर और लिक्विड उस समय इक्विलिब्रियम में हो. इसका मतलब जो प्रेशर वेपर एग्जर्ट कर रहा है उस समय जब रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों क्या हो जाए, इक्वल. अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे कि वो टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और सिंपली वी कैन से कि बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिसपे कोई लिक्विड बॉइल करना शुरू करता है. ध्यान रहे कि उस टाइम प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटीएम के बराबर होना चाहिए. एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू अर्थ के सरफेस पे 10 टू द पावर 5 पास्कल के आसपास होता है, जिसको 1 एटीएम भी हम लोग कहेंगे. अगर बात करें फ्रीजिंग पॉइंट का, तो फ्रीजिंग पॉइंट का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड फ्रीज कर जाए और उस समय का प्रेशर कितने के इक्वल हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो. या फिर दूसरे तरीके से अगर बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी लिक्विड का उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए. उसी लिक्विड के सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए. तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure के equal हो जाए. अगर example में हम बोले कि boiling point जो water का होता है वो 100 degree Celsius होता है. इसका मतलब हुआ कि at 100 degree Celsius वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इज इक्वल्स टू क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये कितना होता है, 101325 पास्कल या फिर 1 एटीएम. इसका मतलब वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटीएम कब होगा, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. और केल्विन में अगर बोले तो 373 केल्विन हम लोग बोलेंगे. सिमिलरली हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिफाइन कर सकते हैं.
हम लोग बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर. मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कह रहे हैं जिस समय उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही हो जाए जितना कि उसी लिक्विड का जो सॉलिड फेज है उसका वेपर प्रेशर जो हो रहा है, और वो सब कुछ कहाँ हो रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे. तो ये दोनों डेफिनेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट का और फ्रीजिंग पॉइंट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहा जा सकता है, और इसी पे बेस्ड ये दो टॉपिक मेरे सामने जो दिख रहा है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए. एक सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाते हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है. तो क्या वहाँ पे किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वही होगा जो अर्थ के सरफेस पे है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर घट गया तो उस पर्टिकुलर एटमोस्फेरिक प्रेशर तक वेपर प्रेशर को पहुंचने के लिए कम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा. इसका मतलब ये हो गया कि एटमोस्फेरिक प्रेशर जो कि हाइट के साथ घट रहा है बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करवा देगा. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन हाइट के साथ किस तरीके से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोग दे सकते हैं. इस दोनों डेफिनेशन के बाद हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ता है और उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है. हम लोग इतना तो जरूर जान रहे हैं कि जब भी किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा प्योर सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट मिला देने से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. और अगर डिक्रीज हो जाएगा वेपर प्रेशर तो उस डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर को एटमोस्फेरिक प्रेशर वैल्यू तक ले जाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट हो जाएगा. वैसे सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या हुआ, एलिवेशन. जबकि अगर बात करें फ्रीजिंग पॉइंट का, तो फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग ये कहेंगे कि जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाए किसी सॉल्वेंट में तो फ्रीज वहाँ पे कौन हो रहा है, सॉल्वेंट हो रहा है, ना कि सॉल्यूट हो रहा है. अगर सॉल्यूट उसमें दिख रहा है तो जो फ्रीज हो रहा है वो सिर्फ कौन हो रहा, सॉल्वेंट, और इसके चलते वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ जाएगा, डिप्रेशन. और डिप्रेशन का मतलब हुआ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो गया सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, एलिवेशन का मतलब इंक्रीज हो गया बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में. यहाँ पे जो दिया गया है डायग्राम वो है फेज डायग्राम. इस फेज डायग्राम में हम लोग दो चीज के बीच कर्व ड्रा किए हैं, y एक्सिस पे वेपर प्रेशर को पुट किए हैं जबकि x एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर को पुट किए. टेम्परेचर इस साइड इंक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और ये p एक्सटर्नल मींस एटमोस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर यहाँ पे बात करें तो हमको दो कलर में कर्व दिख रहा है, एक रेड में दिख रहा है और एक ब्लू में दिख रहा है. जो ब्लू कर्व दिख रहा है हम लोग को वो प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि रेड वाला जो कर्व दिख रहा है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. मींस सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिला दिया गया तो उस समय ये ब्लू कर्व के जगह पे हम लोग रेड वाले कर्व को ध्यान में रखेंगे जो डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया. अगर बात करें यहाँ पे हम लोग इस कर्व को तीन पार्ट में क्लासिफाई किए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. ये जो फर्स्ट लाइन दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन जो फर्स्ट दिख रहा है
ये शो कर रहा है कि ये जो कर्व है फर्स्ट वाला, उसको हम लोग बोल रहे हैं फ्रीजिंग कर्व। अब फर्स्ट वाले को फ्रीजिंग कर्व क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस साइड ये जो कंपार्टमेंट दिख रहा है ये सॉलिड कंपार्टमेंट है, ये जो दिख रहा है कंपार्टमेंट सॉलिड, ये वाला कंपार्टमेंट लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला फेज जो है गैसियस फेज बोला जा सकता है या वेपर फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट वेपर को, ये सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिक्विड को। और इस तीनों फेज को सेपरेट करने वाला एक पर्टिकुलर लाइन है, जो ब्लू लाइन है वो सॉल्वेंट का है, जबकि वो जो रेड डॉटेड लाइन है वो सॉल्यूशन का है। अगर यहाँ पे बात करें कि फर्स्ट लाइन को फ्रीजिंग कर्व बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि इस साइड क्या है? सॉलिड, और उस साइड क्या है? लिक्विड। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मेल्टिंग, जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्रीजिंग। तो इस पर्टिकुलर लाइन पे अगर हम आके देखते हैं तो इस पर्टिकुलर लाइन पे रेट ऑफ फ्रीजिंग एंड रेट ऑफ मेल्टिंग दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। अब बात करते हैं सेकेंड कर्व। सेकेंड कर्व किसको किसको सेपरेट कर रहा है? लिक्विड को गैस से सेपरेट कर रहा है। सेकेंड कर्व लिक्विड को किससे सेपरेट कर रहा है? गैस से, या कहा जा सकता है वेपर से। अगर यहाँ पे बात करें हम तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके देखे तो लिक्विड जो है वेपर में और वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। कहने का मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड भी और वेपर भी। इस पर्टिकुलर लाइन पे दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड भी लिक्विड भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरो दिखा रहे हैं वेपर से लिक्विड की ओर, तो ये कंडेंसेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लाइन दिखा रहा है ऊपर से नीचे की ओर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो लिक्विड का कन्वर्जन गैस में या वेपर में, तो ये वेपोराइजेशन के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो वही कारण है कि सेकंड वाले लाइन को, सेकंड जो कर्व लाइन दिख रहा है उसको हम लोग वेपोराइजेशन कर्व या फिर बॉइलिंग कर्व कह सकते हैं, जबकि थर्ड लाइन जो दिख रहा है जिसमें डॉटेड रेड लाइट नहीं, रेड लाइन नहीं है, वो थर्ड लाइन को हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन कर्व। यहाँ पे सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होता है? गैस में, और गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सॉलिड। मीन्स इंटरमीडिएट लिक्विड फेज सब्लिमेशन में नहीं दिखता है। तो तीन फेनोमिना का बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला फ्रीजिंग, दूसरा बॉइलिंग, और तीसरा सब्लिमेशन। जिस टॉपिक सब्लिमेशन को इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। इस फेज डायग्राम के हेल्प से हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे हुआ और डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन देखते हैं। तो अगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाने के वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम गया, और वेपर प्रेशर अगर घट गया सॉल्यूशन का सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, तो उस दोनों वेपर प्रेशर को, सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को, हम लोग कहाँ तक पहुँचाएंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, और इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना होगा। अगर वेपर प्रेशर घटा हुआ है तो उस घटे हुए वेपर प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा? इंक्रीज। तो ये तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हुआ इसका। हम लोग अगर इस ग्राफ के थ्रू, इस कर्व के थ्रू इसको देखने का कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है? सॉल्वेंट का। और रेड लाइन किसको शो कर रहा है? सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर लिक्विड का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एक्सटर्नल के इक्वल है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर हमको मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ, और दूसरा पॉइंट हमको ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों के लिए मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आके हम देखते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कितना है? पी एक्सटर्नल। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना है? तो पी एक्सटर्नल के इक्वल। और जब पी एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो उस टाइम का जो वेपर प्रेशर होगा और वो जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम टी नॉट बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टी नॉट बी यहाँ पे क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो
तो ये ब्लू लाइन सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक वेपर प्रेशर पहुंच गया और उस समय वो टेम्परेचर कितना है टी नॉट बी, जबकि सॉल्यूशन का लाइन नीचे से गया। आखिर सॉल्यूशन का लाइन को नीचे से हम क्यों ले गए? तो वेरी सिंपल कि सॉल्यूशन बना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से और ये वेपर प्रेशर का कर्व है, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होता है नीचे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जो डॉटेड लाइन रेड दिख रहा है वो सॉल्यूशन का है और सॉल्वेंट के नीचे है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या होता है सॉल्वेंट से कम। अगर ये नीचे है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हुआ, टी एक्सटर्नल, मींस यहां पे सॉल्यूशन बॉइल करता हुआ दिख रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्यूशन बॉइल करता हुआ दिख रहा है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेम्परेचर दिख रहा है हमको वो टीबी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टीबी रेफर्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे पास जो दो पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट दिख रहा है और दूसरा ये पॉइंट दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट जो ये दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्वेंट बॉइल हो चुका है और उस समय जो टेम्परेचर है वो टी नॉट बी। इसका मतलब टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्यूशन बॉइल हो चुका है और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग टी बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पे टेम्परेचर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी, टी बी जो होगा टी नॉट बी से ज्यादा होगा। तो अगर कर्व से देखा जाए, फ्रॉम द कर्व टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी, हम लोग इस कर्व को देख के बोल सकते हैं टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी। यहां पे अगर बात करें कि टी बी क्या है, तो टी बी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर बात करें टी नॉट एफ का बात करें तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, जबकि टी एफ का बात करें तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। तो नॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सॉल्वेंट को। तो यहाँ पे जो कर्व्स के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि टी बी ये वाला वैल्यू ज्यादा है और ये वाला वैल्यू कम है, तो टी बी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी, तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करेंगे और डेल्टा टी बी जो होगा वो हम लोग लिख देंगे टी बी माइनस टी नॉट बी, टी बी माइनस टी नॉट बी। तो ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज दिखा रहा है जो टी बी माइनस टी नॉट बी। एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे तो ये पाया गया कि डेल्टा टी बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन और उस मोलालिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट को बढ़ाते हो तो मोलालिटी बढ़ेगा और मोलालिटी बढ़ेगा तो सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ता है, तो डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया मोलालिटी। अब यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा टी वी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटा दे तो एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा के बी और इनटू मोलालिटी। तो ये फॉर्मूला मेरे पास दिख रहा है, यहाँ पे के बी को हम लोग एक कांस्टेंट बोलेंगे, के बी क्या है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोल सकते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको हम बोल सकते हैं मोलल मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे ये डिपेंड करेगा।
अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए इसका वैल्यू डिफरेंट होगा। इन जनरल क्वेश्चन में किसी भी सॉल्वेंट का केवी का वैल्यू गिवन होता है। अगर केवी का वैल्यू गिवन नहीं है तो फिर हम लोग एक पर्टिकुलर फार्मूला डायरेक्टली माइंड में रखना पड़ेगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो हम लोग के वी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये करेंगे, के वी इज इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर, आर टी स्क्वायर 1000 इंटू एल वी, 1000 एल वी। अब यहाँ पे क्या क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो R को हम लोग बोलेंगे गैस कांस्टेंट। R क्या होगा, गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट का वैल्यू या तो SI यूनिट में 8.314 लेंगे, किसमें SI यूनिट में, जबकि 2 कब लेंगे, जब हीट का मेजरमेंट किसमें हो, कैलोरी। R का यही दोनों वैल्यू यूज करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ATM लीटर वाला वैल्यू यूज करना ठीक नहीं रहेगा, कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। अगर बात करें टी का, तो ये है टी नॉट बी। तो टी नॉट बी क्या है, हम लोग को ऑलरेडी नोन है टी नॉट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये टी नॉट बी हो गया। जबकि एल वी क्या होगा, ठीक है, एल वी का बात करें तो एल वी हुआ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एल वी क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम बोलेंगे कि अगर 1 किलोग्राम कोई लिक्विड है उसको वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जितना अमाउंट में हीट का रिक्वायरमेंट हो रहा है उस अमाउंट ऑफ हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फिर से, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इंटू इट्स वेपर, देन इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे एल वी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और 1000 यहाँ पे। अगर बात करें तो एक और फार्मूला हम लोग इसी के जगह पे लिखते हैं, आर टी नॉट बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अगर हमको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला, और अगर डेल्टा एच वेपोराइजेशन दिया हुआ मींस इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ। इन डेल्टा एच वेपोराइजेशन थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल लिक्विड को उसके वेपर में कन्वर्ट करने के लिए करते वक्त जितना अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उस अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी को इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। यहाँ पे कैपिटल एम जो दिख रहा है वो कैपिटल एम होगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम बात करें कि क्या इस डेल्टा एच वेपोराइजेशन और एल वी में कोई रिलेशन है, तो बिल्कुल, एल वी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय मोलर मास। एल वी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होगा जिसको हम लोग को डायरेक्टली याद रखना है। अगेन हम यहाँ पे फिर से आपको रिवाइज कर दें कि इस फेज डायग्राम को देखने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट हमको मिल रहा है। पहला जो ब्लू लाइन है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि डॉटेड लाइन जो रेड कलर से है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉल्यूशन वाला कर्व नीचे से क्यों गया, इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट गया। डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का प्रेजेंट होना। अब ये पॉइंट पे शो हो रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का पी एक्सटर्नल के इक्वल है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्वेंट बॉइल कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और वो टेम्परेचर कितना है, टी नॉट बी। मीन्स टी नॉट बी जो हो गया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, जबकि इस पॉइंट पे सॉल्यूशन बॉइल करता हुआ दिख रहा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है।
जो कि टीबी है, इस दोनों के डिफरेंस को हम बोल सकते हैं डेल्टा टीबी। इस दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा टीबी मीन्स टीबी माइनस टी नॉट बी, जो चेंज हुआ बॉइलिंग पॉइंट में। एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, और डेल्टा टीबी इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद एक कांस्टेंट पुट करेंगे केबी इनटू एम, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इनटू मोलालिटी। अब केबी क्या है, एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे ए बेलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर पे। इन जनरल क्वेश्चन में केबी का वैल्यू गिवन होगा, अगर केबी का वैल्यू गिवन नहीं होता है तो फिर हमको केबी को डिटरमाइन करना होगा, और उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है मेरे पास, केबी इक्वल्स टू आर टी नॉट बी स्क्वायर अपॉन 1000 एल बी, जहां पे आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी नॉट बी जो होगा वो होगा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, LV is latent heat of vaporization, ये उस amount of heat को बोलते हैं जो required होता है 1 kilogram liquid को उसके vapor में convert करते वक्त, जबकि अगर heat of vaporization दिया हुआ है means enthalpy change for vaporization given है, तो हम लोग ये formula use करेंगे, capital M solvent के molar mass को represent करेगा यहाँ पे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन एम होता है। इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन थर्मोडायनामिक टर्म है, जिसको डिफाइन कैसे करते हैं कि वन मोल किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के वक्त जितना अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, उसको हम लोग डेल्टा एच वेपराइजेशन बोलते हैं। तो ये दो फार्मूला माइंड में रखना है और इसको भी माइंड में रखना है, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकता है, और ये सारा फार्मूला हमारे लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में सॉल्वेंट जो प्रेजेंट है, सॉल्वेंट जो कंटेन किए हुए सॉल्यूट वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नोन है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर वो दोनों नोन हो जाएगा तो डेल्टा टी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, और एक्सपेरिमेंटली के भी कैलकुलेटेड ऑलरेडी होता है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलालिटी। और इस मोलालिटी के बेसिस पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसको मिलाने से वेपर प्रेशर में डिक्रीज आया उसका मोलर मास कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो जस्ट इस फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और हम लोग मोलर मास को भी डिटरमाइन कर सकते हैं सॉल्यूट का। देखते हैं किस तरीके से हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इस फार्मूला को आगे लेके जाते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी, और मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं डब्लू है ना अपॉन ग्राम मोलर मास इंटू 1000 बाई डब्लू, यहाँ पे किसका होगा डब्लू, सॉल्वेंट का, और ये किसका होगा सॉल्यूट का। तो के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मोलर मास 1000 बाय डब्लू सॉल्वेंट। पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट को हम लोग बी से रिप्रेजेंट किए हैं और सॉल्यूट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट किए हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं फाइनली डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्लू ए by gram molar mass of A into 1000 upon W B। तो ये फार्मूला मेरे पास फाइनली दिख रहा है, जहाँ पे W A क्या होगा बताएंगे, weight of solute in gram, और W B जो होगा वो होगा weight of solvent in gram, M A क्या होगा तो ग्राम मोलर मास ऑफ है ना ग्राम मोलर मास ऑफ हम लोग लिखेंगे इसको सॉल्यूट। तो इन जनरल इसके बारे में कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आता है किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करने से रिलेटेड आएगा। तो हम लोग डेल्टा टी भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए, के वी का वैल्यू नोन है,
डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी का इंफॉर्मेशन देगा और मोलर मास ऑफ सॉल्वेट सॉल्यूट को हम लोग को डिटरमाइन करना होता है। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हम लोग का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों करता है, और अगर डिक्रीज करता है तो कितना डिक्रीज करता है, और वो डिक्रीज किस पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल फार्मूला बाकी जितना भी कैलकुलेशन होगा वो कहीं ना कहीं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही होगा, लेकिन फिर भी इस फेज डायग्राम के हेल्प से हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है जबकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जो कि इस वाले बॉइलिंग वाले सिचुएशन से जस्ट डिफरेंट दिख रहा है, बॉइलिंग वाले सिचुएशन से जस्ट डिफरेंट दिख रहा है। अब ध्यान से देखा जाए फर्स्ट लाइन को, है ना, फर्स्ट ब्लू लाइन जो दिख रहा है वो सॉल्वेंट का लाइन है जो किसको सेपरेट कर रहा है, सॉलिड फेज को और लिक्विड फेज को। अगर इस साइड से सॉलिड से लिक्विड की ओर जा रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मेल्ट कर जा रहा है, और ये एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो शो कर रहा है कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स फ्रीज कर जा रहा है। ये मेल्टिंग और ये फ्रीजिंग, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर लाइन पे सॉलिड लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। इस पर्टिकुलर लाइन पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो नीचे से रेड लाइन डॉटेड गया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आने की वजह से डिक्रीज करेगा, और यही कारण है कि ब्लू कर्व के नीचे कौन दिख रहा है, रेड कर्व जो किसका है, सॉल्यूशन का। अब अगर ध्यान से देखा जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो पॉइंट हमको दिख रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बी से रिप्रेजेंट करें, तो ए पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, ए पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग यहां बोलेंगे कि सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट, सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट, और ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। जबकि अगर जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं बी, तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स इक्विलिब्रियम पे है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ए और बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कहा जा सकता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल है। ध्यान से, इस ए पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और इस सॉलिड का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अगेन हम इसको रिपीट करते हैं, पॉइंट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉइंट ए ये कह रहा है कि पॉइंट ए जो है उस समय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट लाइन पे सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्वली एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे सॉल्वेंट और उसके सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट जो टेम्परेचर से रिलेटेड है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जबकि सॉल्यूशन के लिए ये पॉइंट हमको बी पॉइंट पे मिला, और बी पॉइंट को जब हम लोग टेम्परेचर लाइन तक ड्रॉ करते हैं तो वो टी एफ दे रहा है, और वो टी एफ टी नॉट एफ से क्या दिख रहा है, कम। तो यहाँ भी हम लोग एक बात ध्यान से बोल सकते हैं कि टी एफ और टी नॉट एफ में कुछ डिफरेंस है, टी एफ एंड टी नॉट एफ में क्या है, कुछ डिफरेंस है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टी एफ और टी नॉट एफ, टी नॉट एफ यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, तो डेल्टा टी जो होगा वो क्या होगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ,
एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? तो एक्सपेरिमेंट कहता है कि डेल्टा टी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी का। तो डेल्टा टी जो होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट पुट करेंगे जिसको केएफ बोलेंगे, केएफ इनटू मोलालिटी। तो ये फार्मूला हमारे लिए आया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड ये फार्मूला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे। तो इस कांस्टेंट को हम लोग बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे इसको हम लोग, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां भी हम लोग के एफ कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे। अगर के एफ नोन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर के एफ कैलकुलेट करने से रिलेटेड क्वेश्चन है तो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे आर टी नॉट एफ का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच नॉट फ्यूजन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं आर टी नॉट एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ, 1000 इंटू एल एफ। तो ध्यान देने की बात है कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइंड में रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर बोले कि टी आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अगेन यहाँ पे आर का जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वो या तो ऐसा यूनिट में डेट इज 8.314 होगा, और नहीं तो हम लोग कैलोरी में हिट जब कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लिया जाए कि ये वैल्यू कैलोरी में गिवन है तो हम लोग आर का जो यूनिट यूज करेंगे वो कैलोरी में, अगर ये वैल्यू हम लोग को ऐसा यूनिट में गिवन है तो आर 8.314 यूज करेंगे। हम लोग एटीएम लीटर वाला आर यहाँ पे यूज नहीं करने जा रहे हैं। तो ऐसा यूनिट में 8.314 होता है, जबकि कैलोरी में जब हीट का मेजरमेंट होता है तो आर का वैल्यू 2 होता है। टी नॉट एफ क्या हुआ, तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रिजिंग पॉइंट, एम इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये जो के एफ है ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये प्रॉपर्टी किसका है, प्योरली सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है। इसलिए जो भी टर्म यहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सारा का सारा किसके लिए यूज होने जा रहा है, सॉल्वेंट के लिए। यहाँ पे डेल्टा एच नॉट फ्यूजन जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन। इसका मतलब एक मोल लिक्विड को उसके सॉलिड फेज में कन्वर्ट करते वक्त कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो हीट का एक्सचेंज होता है उसको हम लोग बोलेंगे इंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन। जबकि यहाँ पे एलएफ जो दिख रहा है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उस अमाउंट ऑफ हीट को बोलते हैं जो कि 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके सॉलिड फेज में कन्वर्ट करते वक्त रिक्वायर्ड होता है। दैट मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट और एनी लिक्विड इनटू इट्स सॉलिड फेज, सॉलिड फेज में कन्वर्ट करते वक्त जो रिक्वायरमेंट होता है। अगेन यहां से देखा जाए मोलालिटी अगर है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कि अगर मान लिया जाए एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो अननोन है मेरे लिए, अगर हम किसी सॉल्वेंट में मिलाए तो एक्सपेरिमेंट के हेल्प से उस सॉल्वेंट और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं, और वेपर प्रेशर के हेल्प से हम लोग उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्या हम कैलकुलेशन के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि उस सॉल्यूट को जो मिलाया गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो कौन सा सॉल्यूट है या उसका मोलर मास क्या होगा? तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली इसको डिसाइड कर लेंगे, केएफ नोन होगा, मोलालिटी के फार्मूला से सॉल्यूट का वेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो लिखेंगे डेल्टा टी इज इक्वल्स टू केएफ इनटू मोलालिटी के जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम या किलोग्राम। यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को ए से डब्ल्यू ए बाय ग्राम मोलर मास ए
इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। ध्यान रहे डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी दोनों किस में होना चाहिए, ग्राम में। डेल्टा टी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कम, इज इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू ए ओवर मोलर मास ऑफ ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो मिलाए हैं उसका मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमको कैलकुलेट करना यही है। तो GMM और MA दोनों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो थर्ड लाइन दिख रहा है ये सब्लिमेशन कर, इसमें ये डॉटेड लाइन, रेड वाला डॉटेड लाइन क्यों नहीं है सॉल्यूशन वाला। तो इन जनरल हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि जो भी सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो लिक्विड से इंटरेक्ट कर रहा है ना कि सॉलिड से। मीन्स उसका इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है, लिक्विड फेज में, इसलिए इसी लिक्विड फेज के साथ ये वाला कर्व दिख रहा है, जबकि सब्लिमेशन कर्व के साथ वो नहीं दिख रहा। फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे इस, ये वो पॉइंट है जिसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। फिजिक्स में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये वो पॉइंट है जिसमें कोई लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज तीनों में को एग्जिस्ट करता है। तो ये ट्रिपल पॉइंट क्या शो कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर आइस में भी, वाटर लिक्विड में भी और वाटर वेपर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो टेम्परेचर होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे हम लोग को ट्रिपल पॉइंट ऑब्जर्व होगा। तो ये फेज डायग्राम हीट चैप्टर से लिया गया। और ये जो डॉटेड लाइन नीचे हम लिखे हैं वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस दोनों टॉपिक को थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर भी समझने का कोशिश करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे जब समझेंगे तो उसमें एक टर्म का रिक्वायरमेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी जो होता है वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर रैंडमनेस बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है, और डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो थर्मोडायनेमिकली इसको हम लोग देखते हैं। On the basis of thermodynamics, on the basis of thermodynamics, इस टॉपिक को thermodynamics के बेसिस पे समझने का कोशिश करें। ये जो लाइन दिख रहा है ये सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऊपर की ओर एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। ऊपर की ओर क्या इंक्रीज कर रहा है, एंट्रोपी। ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग एंट्रोपी क्या होता है, तो एंट्रोपी जो एस होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। एस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करता है कहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है गैस में। गैस में मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी काफी हाई होता है, और आप कह सकते हो कि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा रैंडमनेस, उतना ही ज्यादा डिसऑर्डरनेस, और उसी को हम लोग एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसका होगा, गैस का, उससे कम लिक्विड का, और सबसे कम सॉलिड का। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट कर रहा होता है तो उसका एंट्रोपी इंक्रीज करता है, जबकि अगर कोई लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा है, मीन्स फ्रीज कर रहा है, तो उसका एंट्रोपी क्या होगा,
डिक्रीज करेगा। थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत ही फेमस इक्वेशन जो केमिस्ट्री में यूज होता है वो ये है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स का, जो पूरे केमिस्ट्री में लगभग हर एक चैप्टर में यूज आता है। हम लोग उसी फॉर्मूला का यहाँ भी यूज करेंगे। डेल्टा जी यहाँ पे क्या है, तो गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा एच जो है चेंज इन एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी। टी जो यहाँ पे होगा वो होगा टेम्परेचर, और डेल्टा एस जो होगा वो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमको दिख रहा है वो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, यूजफुल वर्क इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़े से डिटेल में अगर हम चले जाएं तो डेल्टा जी जो होता है वो तीन तरह से हम लोग देख सकते हैं। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हुआ और डेल्टा जी अगर नेगेटिव हुआ और डेल्टा जी अगर जीरो हो गया। अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव अगर होता है तो हम लोग बोलेंगे प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, और अगर जीरो होता है तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम अटैन हो चुका है, एट इक्विलिब्रियम। तो क्लास 11th में काफी ज्यादा यूज हुआ है इक्विलिब्रियम टर्म और डेल्टा जी टर्म। अब अगर क्वेश्चन राइज होता है कि डेल्टा जी इज पॉजिटिव देन व्हाई नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो अपने आप होने वाला नहीं है, बाहर से हमको काफी लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा तब जाके वो चीज फिजिबल हो पाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं से गेन कर रहा है सिस्टम। नेगेटिव क्या कर रहा है कि सिस्टम खुद दे रहा है किसी को, तो सिस्टम से एनर्जी बाहर आ रहा है इसका मतलब माइनस, क्योंकि सिस्टम का एनर्जी घट रहा है यही कारण माइनस। सिस्टम एनर्जी बाहर से लेना रहा है तो इसलिए उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑलरेडी जो फ्री एनर्जी है ये यूजफुल वर्क को रिप्रेजेंट करता है, और ये अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एनर्जी का रिक्वायरमेंट सराउंडिंग से हो रहा है सिस्टम को, और अगर वो एनर्जी हम नहीं दिए तो प्रोसेस संभव नहीं है कि हो पाए। और अगर ये डेल्टा जी नेगेटिव है इसका मतलब सिस्टम के पास इनफ एनर्जी है कि वो प्रोसेस को कंटिन्यू करवा सके, फिजिबल बना सके, दैट्स व्हाई इट इज स्पॉन्टेनियस। और जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ये पॉजिटिव के साइड भी जा सकता है और नेगेटिव के साइड भी, इसका मतलब कि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। हमको यहाँ पे थर्ड वाले पॉइंट से मतलब है, ठीक है। आपको पता होगा कि जब कन्वर्जन होता है बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का बात करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है, वो इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर जो होता है उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो, कहाँ पे एट इक्विलिब्रियम। तो जीरो इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और फाइनली टी इज इक्वल्स टू लिख देंगे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, मीन्स डेल्टा एच और डेल्टा एस के रेशियो को टी बोलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे टी बी लिखते हैं तो डेल्टा एच अपॉन क्या लिखेंगे डेल्टा एस, ठीक है। अब ये बी बॉइलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेल्टा एच बी और डेल्टा एस बी। अगर हम टी नॉट बी को बोलते हैं, टी नॉट बी क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा एच नॉट बी अपॉन डेल्टा एस नॉट बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए कि डेल्टा एच बी जो है वो लगभग लगभग इक्वल होता है डेल्टा एच नॉट बी के। एक्सपेरिमेंटली हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा एच बी क्या होता है इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग बॉइलिंग, और ये डेल्टा एच बी क्या इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग बॉइलिंग, लेकिन ये सॉल्वेंट के लिए और ये किसके लिए है सॉल्यूशन के लिए। तो ये सॉल्यूशन के लिए है ना, ये किसके लिए है फॉर सॉल्यूशन,
फॉर सॉल्यूशन, और ये किसके लिए है, ये वाला टर्म जो हमको दिख रहा है ये किसके लिए है, तो फॉर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू लगभग लगभग इक्वल होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए कि अगर बात करें बॉइलिंग का, तो सॉल्यूशन भी बॉइल कर सकता है और सॉल्वेंट भी बॉइल कर सकता है ना, सॉल्यूशन भी बॉइल करेगा और सॉल्वेंट भी बॉइल कर सकता है। अब ध्यान देने की बात है, सॉलिड का एंट्रोपी सबसे कम क्योंकि मॉलिक्यूल्स इसका काफी पैक्ड होता है, सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है तो इससे ज्यादा एंट्रोपी, सॉल्यूशन का एंट्रोपी सॉल्वेंट से ज्यादा हम शो कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन बनने के बाद बढ़ जाता है। जैसे अगर एक ग्लास पानी है और उसमें कुछ अमाउंट में चीनी मिला है तो शरबत का वॉल्यूम कितना होगा, एक ग्लास ही होगा, तो क्या एक ग्लास में पहले से पार्टिकल बढ़ा या घटा, तो निश्चित रूप से सॉल्यूट का पार्टिकल उसी वॉल्यूम में लाई कर रहा है, इसलिए पार्टिकल्स का नंबर बढ़ा और पार्टिकल्स का नंबर बढ़ने से एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज, तो सॉल्यूशन का एंट्रोपी ज्यादा, और इस दोनों के एंट्रोपी से वेपर का एंट्रोपी ज्यादा क्योंकि वेपर गैसियस फेज लगभग है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उस समय काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वेपर का एंट्रोपी सबसे ज्यादा। अब जरा ध्यान से देखने की बात है, क्या हम इसको, है ना, क्या हम इसको डेल्टा एस, डेल्टा एस है ना सॉल्यूशन से ये जा रहा है तो डेल्टा एस बॉइलिंग हम बोल सकते हैं, और क्या इसको हम लोग डेल्टा एस नॉट बी बोल सकते हैं। ध्यान देने की बात है, डेल्टा एस बी क्या हो रहा है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सॉल्यूशन इनटू वेपर, मीन्स सॉल्यूशन बॉइल कर रहा है उस समय का एंट्रोपी चेंज, और ये सॉल्वेंट बॉइल कर रहा है उस समय का एंट्रोपी चेंज, तो ज्यादा एंट्रोपी कहाँ बदला, सॉल्वेंट से वेपर की ओर या सॉल्यूशन से वेपर की ओर, तो सॉल्वेंट से वेपर की ओर, तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डेल्टा एस नॉट बी इज ग्रेटर देन डेल्टा एस बी। अगर ये बात देखा जाए कि डेल्टा एस नॉट बी ज्यादा है, ये वाला वैल्यू ज्यादा और ये वाला वैल्यू कम, तो अगर ये वाला वैल्यू ज्यादा तो ये वाला वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि टी नॉट बी जो होगा और टी बी जो होगा इस तरीके से रिलेटेड होगा, क्योंकि टी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब ये दोनों जगह कॉन्स्टेंट है तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, एंट्रोपी चेंज का, एंट्रोपी चेंज इस वाले सिचुएशन में ज्यादा है सॉल्वेंट का, इसलिए ज्यादा एंट्रोपी चेंज कम बॉइलिंग पॉइंट, तो टी नॉट बी क्या होगा, कम, और टी बी क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसका मतलब कि यहाँ पे पर्टिकुलर चेंज देखा जाएगा और वो डेल्टा टी होगा और वो लिखेंगे टी बी माइनस टी नॉट बी, तो क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बताइए, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को, तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे एक्सप्लेन होगा। अगेन हम लोग देख ले, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इज चेंज इन एंथैल्पी, टेम्परेचर इज टी, एंड डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स रैंडम होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही ज्यादा एंट्रोपी चेंज होगा। अब इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू होता है जीरो, तो टी इज इक्वल्स टू आ गया डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अगर ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का तो टी बी, अगर ये टेम्परेचर बॉइलिंग टी नॉट बी है तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हुआ, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर बात करें टी बी इज इक्वल टू डेल्टा एच बी अपॉन डेल्टा एस बी, और टी नॉट बी इज डेल्टा एच नॉट बी अपॉन डेल्टा एस नॉट बी, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि डेल्टा एच बी इज इक्वल्स टू नियरली इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट बी, मतलब इंथैल्पी चेंज जो सॉल्यूशन के लिए है वही सॉल्वेंट के लिए लगभग लगभग वो दोनों इक्वल है, या अगर थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है तो माइन्यूट डिफरेंस होता है जिसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे अब जब ये दोनों कॉन्स्टेंट है, ये दोनों इक्वल है, तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी का चेंज सॉल्यूशन वाले केस में कम हो रहा है जबकि सॉल्वेंट वाले केस में ज्यादा,
इंट्रोपी सॉल्यूशन का ज्यादा शो कर रहे हैं, सॉल्वेंट का कम, क्योंकि सॉल्यूशन में वॉल्यूम उतना ही है लेकिन पार्टिकल्स बढ़ गया इसलिए इंट्रोपी ज्यादा। तो ये इंट्रोपी चेंज ज्यादा इसलिए सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, और ये इंट्रोपी चेंज कम तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, और यही रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। और इसके बाद तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। इसके बाद जो भी होता है वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होता है। अब इसी बेसिस पे हम लोग देखते हैं किसको, इसी बेसिस पे हम लोग देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो फ्रीजिंग पॉइंट का जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का बात करेंगे तो फ्रीज कौन कर रहा है, तो फ्रीज कर रहा है सॉल्यूशन भी और फ्रीज कर रहा है सॉल्वेंट भी। और फ्रीज करने का मतलब सॉलिड। दोनों कंडीशन में एंट्रोपी चेंज जो है वो डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन अराइज होता है कि ज्यादा चेंज कहाँ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा एस, सॉल्यूशन से आ रहा है तो ये डेल्टा एस एफ लिखेंगे, और ये सॉल्वेंट से आ रहा है तो डेल्टा, नहीं इसे लिख दे रहे हैं डेल्टा एस नॉट एफ, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का। यहां पे फिर से हम लोग चेंजिंग कर ले कि टी बी के जगह पे हम लोग लिख दे रहे हैं टी एफ, और यहां पे भी एफ लिख दे रहे हैं, क्योंकि अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग को। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग को। यहां भी बी को रिप्लेस कर दे रहा है एफ से, बी को रिप्लेस कर दे रहा है एफ से, बी को एफ से, और यहां भी हर जगह बी को एफ से रिप्लेस करेंगे। और तब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएंगे, ये एफ हो गया और ये एफ हो गया, बट ये डायरेक्शन अब ऐसा हो जाएगा और ये डायरेक्शन अब ऐसा हो जाएगा कि और ये और इसको हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बोलेंगे। और डेल्टा टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ, जो कि सॉल्वेंट का ज्यादा है जबकि सॉल्यूशन का क्या है, कम, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मोलालिटी का। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, के एफ इंटू मोलालिटी, ये फार्मूला आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। इसको फिर से हम लोग देख ले, टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। अगर टी एफ लिख रहे हैं इसका मतलब कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ अपॉन डेल्टा एस एफ। डेल्टा एच एफ क्या है, तो इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन, उस समय का इंथैल्पी चेंज जब लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, और ये डेल्टा एस एफ उस समय का एंट्रोपी चेंज जब लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। तो ये सॉल्यूशन के बात किया जा रहा है और ये सॉल्वेंट का, तो डेल्टा एच नॉट एफ अपॉन डेल्टा एस नॉट एफ। फिर से अगेन एक्सपेरिमेंटली डेल्टा एच एफ और डेल्टा एच नॉट एफ, मतलब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के इंथैल्पी चेंज इन्फ्यूजन का वैल्यू लगभग लगभग इक्वल है, अगर डिफरेंस है तो काफी कम डिफरेंस है, निग्लेक्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एंट्रोपी चेंज कब ज्यादा हो रहा है, सॉल्यूशन जब सॉलिड में फ्रीज कर रहा है तब, या सॉल्वेंट जब फ्रीज कर रहा है तब। फ्रीज करने का मतलब दोनों का कन्वर्जन सॉलिड में, जब सॉल्वेंट फ्रीज कर रहा है तो बस इतना एंट्रोपी चेंज हुआ, और जब सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा है तो एंट्रोपी चेंज ज्यादा है, और एंट्रोपी चेंज अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर उस पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, तो अगर ज्यादा एंट्रोपी चेंज तो कम फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, जो कहीं ना कहीं किसको एक्सप्लेन करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि केएफ और केबी का यूनिट क्या हो सकता है, केएफ एंड केबी का यूनिट क्या हो सकता है, या केएफ और केबी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करें, केएफ एंड केबी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करें, अगर ये क्वेश्चन हो तो क्या हम लोग कर सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत सिंपल काम करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू केबी इनटू मोलालिटी, तो KB इज इक्वल्स टू लिख देंगे डेल्टा टी अपॉन मोलालिटी। अब डेल्टा टी अगर डिग्री सेल्सियस में है तो ऐसे भी दिया जा सकता है पर मोलालिटी, या डिग्री सेल्सियस और मोलालिटी का हम लोग क्या लिखते हैं, मोल पर किलोग्राम,
है ना, मोल पर किलोग्राम, और ये अपॉन इसका मतलब डिग्री सेल्सियस पर मोल किलोग्राम, अगर केल्विन में है तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो इन जनरल ये वाला यूज होता है, या डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, ये यूनिट हो गया किसका, केबी का, या फिर केएफ का भी यूनिट क्या होगा, सेम होगा, केएफ और केबी दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करते वक्त हम इसको वन कर दे और इसको भी वन कर दे तो कोई दिक्कत, तो हम बोलेंगे केबी उस समय, है ना, केबी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट में कितने का चेंज हो, 1 डिग्री सेल्सियस, उस समय जब सॉल्यूशन कितना हो, यूनिमोलल, तो हम लोग केबी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे इफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1 डिग्री सेल्सियस when solution is 1 molal, इसका मतलब मोलैलिटी कितना हो 1 और डेल्टा टी का वैल्यू भी कितना हो 1, तो के भी उसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1 डिग्री सेल्सियस एंड इफ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 देन दैट डिप्रेशन इज कंसिडर्ड एज केबी केएफ, एंड केबी को क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टोटल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वी हैव अ सॉल्यूशन हैविंग मोलैलिटी 1, तो मोलैलिटी अगर 1 मोल हो और टोटल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में कितना हो, 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, केबी। तो केबी और केएफ दोनों एक्सपेरिमेंटल टर्म है, और ये दोनों किस पे डिपेंड करता है, तो सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और ये हम लोग सेकेंड एंड थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि पार्टिकल्स के नेचर पे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, तब जाके नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, और फाइनली फिर उससे न्यूमेरिकल वाला एक सीरीज होगा, और फाइनली हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को करेंगे, और फिर उसका न्यूमेरिकल सीरीज होगा। तो कुल मिला के अभी 2 और 2-4 लेक्चर बचा हुआ है, 5 लेक्चर बचा हुआ है इस चैप्टर में, जो कि हम लोग अगले कुछ दिनों में इसको भी कवर कर लेंगे।